मंत्री अमरजीत भगत के पास होगा खाद्य संस्कृति और योजना विभाग। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इसकी सूचना उन्हें भी मिली है, लेकिन आदेश अभी जारी नहीं हुआ। अमरजीत भगत ने कहा कि दो दिन में वे पदभार ग्रहण कर लेंगे। अमरजीत भगत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रूपेश गुप्ता ने। कांग्रेस के नेता अमरजीत भगत मंत्री बन चुके हैं और मंत्री बनने के बाद आज पहला दिन है, लगातार सुबह समर्थकों से जुटे घिरे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भगत जी, कैसा रहा पहला दिन? पहला दिन तो शपथ ग्रहण समारोह में ही बीता और शपथ ग्रहण के बाद जो आए थे समर्थक, उन लोगों से भेंट मुलाकात, एक दूसरे को बधाई देने का जो सिलसिला रहा, वही सिलसिला आज भी है। तो सुबह से कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से जुड़े हुए हैं, आपके क्षेत्र से भी लोग पहुंच रहे हैं? क्षेत्र से भी भारी तादाद में लोग आए थे और प्रदेश के अन्य जिलों से भी लोग आए थे और लगातार आने वालों का सिलसिला जारी है, तो ये चल रहा है, लोगों से भेंट मुलाकात और एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला। हालांकि आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन सूचना आपको दे दी गई है कि कौन कौन से विभाग मिल रहे हैं? जी, जब आधिकारिक तौर पर कुछ आ जाएगा तभी हम कह सकते हैं, अभी तो सुनने को ही जो मिल रहा है समाचार पत्र के माध्यम से ही जो पढ़ रहे हैं उससे जानकारी लग रहा है। आपके बड़े नेताओं से बातचीत हुई होगी? बातचीत तो हुई है, बातचीत तो चल ही रहा है और उसमें खाद्य आपूर्ति निगम का बता रहे हैं और दूसरा संस्कृति है और योजना है जो आगे का। और हम लोग चाहते हैं, अभी साफ तौर से स्पष्ट दिख रहा है बाकी विभाग के साथ कि कार्यकर्ताओं की उम्मीद कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा है कि पार्टी जो वादा करके सत्ता में आई है, वो वादे अगर कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को पूरा किया जाए तो शायद वो वादे पूरे नहीं होंगे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करें? हम उसका भी योजनाबद्ध तरीके से करेंगे, कार्यकर्ताओं को भी उनका उचित उनका मान सम्मान रहे और उनको लगेगा कि सरकार में हमारी भागीदारी है, उनको लगने लगेगा, अभी हम इसके लिए भी प्लानिंग करेंगे। पदभार कब ग्रहण कर रहे हैं? अभी तो पहले आदेश सामान्य प्रशासन विभाग से निकल जाए, फिर आगे का वो करते हैं। कल वर्किंग डे कल रहेगा, कल जहां तक सब आ जाएगा तो फिर शुरू होगा काम, एक दो दिन में सब कंप्लीट कर लेंगे। तो ये थे अमरजीत भगत जो बता रहे थे कि सरकार जो भी जिम्मेदारी उनको देती है उसको चुनौती की तरह लेते हैं और काम करने वालों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कैमरामैन अखिलेश के साथ रायपुर से रूपेश गुप्ता।